हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बरसात में एडेनियम प्लांट की केयर टिप्स के बारे में बताऊंगा। इसके लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये रूट रोट का सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा बरसात में ही होता है, क्योंकि अधिक पानी मिलने से ये गल जाता है। और सभी पौधों के लिए एडेनियम के लिए सबसे मेन चीज़ है फुल सनलाइट। और अगर इसको समर में या इसमें हम आपको सबसे पहले किसी भी कंपनी का फंगीसाइड पाउडर लेके उसकी स्प्रे करनी है पूरे प्लांट पर। इसमें थोड़ा सा ये स्प्रे बोतल लेनी है और स्प्रे बोतल के अंदर हम किसी भी कंपनी का फंगीसाइड पाउडर मिला लेंगे। थोड़ा सा 1 लीटर में आधा चम्मच काफ़ी होता है, हम अंदाजे से बोतल के अंदर मिला रहे हैं। बोतल के अंदर मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पानी के अंदर घोल लेंगे जो हमने ये फंगीसाइड पाउडर इसके अंदर मिलाया है, और बोतल को हल्का सा हिला लेंगे। और इस पर पूरे पौधे के ऊपर हम फंगीसाइड पाउडर डाल के उस पानी का स्प्रे करेंगे, जिससे कि कोई भी इसमें जो भी फंगस लगेगी उससे बचाव हो सके। और मेरे पास बहुत सारे एडेनियम के प्लांट्स हैं, छोटे से भी हैं और बड़े भी हैं। कई साल से मैं इनकी केयर कर रहा हूँ। मैं आपको सभी प्लांट के बारे में दिखाऊंगा इसकी केयर टिप्स कैसे करता हूँ मैं। डेली तो पानी इन्हें नहीं देना, इन्हें पानी जब देना है जब इसकी मिट्टी पूरी सूख जाए ऊपर से। और इस लेकिन पौधे को पूरा ऊपर से सूख जब हल्का सा इस तरह से स्प्रे से जरूर करता हूँ मैं, इससे अच्छा पानी मिलता है। एडेनियम के सभी पौधों पर आप इस तरह से फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे महीने में या 15-20 दिन में जरूर किया करें। इससे हमारे पौधे को जो गलने की समस्या अधिक पानी से वह बच जाता है, और कुछ कीटनाशक जो दवाई हैं उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती जब तक इन पर कोई कीड़ा ना लगे। और महीने भर में या 15-20 दिन में एक बार फंगीसाइड पाउडर का जो है स्प्रे के साथ साथ जो पानी दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उससे पूरी मिट्टी के अंदर ये फंगीसाइड पाउडर का पानी लग जाता है, तो कीड़े और फंगस लगने का खतरा कम होता है। और महीने में तो नहीं, लेकिन महीने से पहले 10-15 दिन में कम से कम एक बार इनकी खुदाई जरूर किया करें। इस तरह से कोई भी छोटी सी स्टिक या आप टूल ले सकते हैं किसी भी प्रकार का, इस तरह का जो होता है, और आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। वो सब मेन चीज़ है इसकी सोइल मीडिया। इसमें सोइल मीडिया ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी देने के बाद बिल्कुल भी ना ठहरे। उसके वेल ड्रेन सोइल की आवश्यकता होती है एडेनियम के प्लांट के लिए। मैंने बरसात में बिल्कुल खुले में रखा है, ना किसी शेड में रखा है। लेकिन बरसात के दिनों में थोड़ा सा शेड, किसी के पास 2-4 पौधे हों तो शेड में रख सकता है, अगर किसी के पास बहुत सारे पौधे हों तो वो शेड एरिया में नहीं रख पाता है। अगर जो आप फंगीसाइड का पानी देते हैं और इसकी इस तरह से खुदाई करते हैं बरसात के बाद, एकदम पानी ना ठहरे, मिट्टी जल्दी सूख जाए, तो आपको किसी शेडी एरिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसमें बजरी इसलिए लगाई हुई है जिससे बरसात का पानी आके मिट्टी पे गिरने के बाद क्या होता है, मिट्टी छत पे बिखर जाती है, गमले से कम हो जाती है, और खाद जो मिक्स किया हुआ है वो भी निकल जाता है। अब क्या है, पानी इस पे गिरने के बाद बाहर आ जाएगा, लेकिन मिट्टी और खाद इसी के अंदर रहेगी, इसका ये फ़ायदा होता है। और दूसरा, वेल ड्रेन बनाए रखता है इसको, ये सोइल को। सबसे अच्छी बात यह है इसकी बजरी डालने की। पूरा लग जाओ, उधर में लग जाओ।
तो मेरी तरफ से मेरी कलम में